भाई अभी हम बैठे हैं टाटा टियागो ICNG XM वेरिएंट के अंदर। ये मेरे दोस्त ने लिया है, तो स्टीरियो कुछ ऐसा दिखता है इसका। यहाँ इसके ऐसी कंट्रोल है, विंडो फ्लो आउटफ्लो का। ये पावर जेल का बटन है, नीचे पावर सॉकेट है, 5 गियर है, हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर है। यहाँ पे कुछ कॉइन्स वगैरह रखने जगह है, चाहे बॉटल होल्डर है, 4 दरवाजों में भी बॉटल होल्डर है। यहाँ 4 पावर विंडोज़ है, लॉक सिस्टम है इसका। एक बार मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको। अभी थोड़ी एक्सेसरीज लग रही थी गाड़ी में, इसको चालू करते हैं। CNG मोड एक्टिव, मतलब CNG पे चालू होगी। इसको बंद कर देते हैं, CNG का बटन रहा। अब उसको करते हैं पेट्रोल पे चालू। अच्छा, क्लच दबा के होगा जो कि इतनी आवाज़ कर रही है। ये इसका स्टेज बहुत मक्खन लगा भाई मेरे को। ये तो कितना प्यार से घूम रहा है, मस्त। ये इसके वाइपर कंट्रोल्स हैं और ये इसके हेडलाइट कंट्रोल्स है। ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। ये विंडो लॉक सिस्टम का है, इसको ऐसे लॉक कर दो। ये अच्छा लगा कि वो चेंज कर दिया। एल्ट्रॉज में तो अजीब साथ है। यहाँ AC वेंट्स हैं, ऐसा कुछ डैशबोर्ड है इसका, नॉर्मल मिरर है इसका। यहाँ माइक है, ये नॉर्मल वो है अपना वाइजर। यहाँ पे भी वो नहीं है, एक शीशा नहीं है। ये LED लाइट मिलती है भाई, बहुत अच्छा LED लाइट्स है। ग्रैब हैंडल्स है, चारों साइड तो नहीं है, 3 साइड है। और एक थोड़ी बुरी बात मेरे को ये लगी कि देखो इसका इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा देखो दिखता है। इसको दबाओगे आपको रेड ट्रिप ABC आ जाएगा, और इस साइड को दबाओगे तो आपका इतनी आवाज हो गया देरी दिखा देगा। दोनों फ्यूल मोटर से आते हैं। सीट कवर इसमें वैसे सही है, पर अभी हम देखने लगवा लेते हैं। इसका गियर डाल के देखते हैं, गियर भी ठीक ठाक है। गियर थोड़ा टक से हैं इसके, उसे थोड़ी नई हुआ इस वजह से। अच्छा, इसका थोड़ा दबा के लगता है क्या? अच्छा दिखा रहा है, पीछे कुछ है उसकी हैंड ब्रेक है। ये थोड़ी ब्रेक का फर्क पड़ा था, मैंने हैंड ब्रेक खींची ना वो पेटे पीछे कुछ और को नॉर्मल की स्पेस मिल जाती है। इसकी और यूँ से जो आपको मैनुअली कंट्रोल करने पड़ेंगे। अभी भैया पीछे साफ़ ही कर रहे हैं और ये मैं हूँ। और इसका विंडो देखते हैं, वन टच तो नहीं है मेरे ख्याल से। ये हाँ वन टच नहीं है इसमें। मान लो बंदा छोड़ना चाहिए, इस प्राइस पॉइंट पे 6.5-7 लाख की गाड़ी पड़ रही है मैंने को। ये अब उस साइड के भी वो कर लेते हैं, CNG है। बाकी इसमें बाकी मैं टिक्की में दिखाता हूँ आपको जाके क्या क्या सिस्टम है इसका। और हाँ, आपको ये फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ मिल जाता है, क्योंकि कंपनी फिटेड CNG के साथ आती है गाड़ी, तो ये एक अच्छा फीचर है। चारों दरवाजों पर आपको स्पीकर के मिल जाएंगे। और जो सबसे फेमस है थर्ड, इसका स्पेयर व्हील भी सेम साइज का भी है इसका। हैं स्पेयर व्हील भी सेम साइज का जो स्टेपनी व्हील है। हाँ अच्छा, दिखा तो ना। इस पर वो नहीं आता थ्रेड सा जो आता है, जिस पे लगता है कहाँ जाके आगे जाके लग जाता है, जैसे इसको खोलते हैं उसके ऊपर हो जाता है बिल्कुल, वो नहीं है। ये सिलेंडर है इनका, देखो टेल लैंप से हैलोजन वाले हैं, रिवर्स लाइट हैलोजन टेल लैंप्स। इसकी कुछ व्हील्स हैं, बाहर से आपको लॉक करना पड़ेगा। ये पियानो ब्लैक फिनिश है, टाटा का लोगो, नीचे ग्रीन ग्रेटर ग्रिल, हेड लैंप्स भी आपको ऐसे मिलेगी जिसमें आपको हैलोजन बल्ब मिलते हैं। और नॉर्मल सही गाड़ी है, आपको बाकी सब चीज़ नॉर्मली मिलती है। ये था टाटा टियागो ICNG XM वेरियंट, जो कि लगभग 7-7.5 लाख का पड़ता है ऑन रोड। ऐसा आपको फ्रंट लॉकिंग तक नहीं मिलेगी, हालांकि टायर किट मिल जाती है, आप इससे आप टायर पंचर लगा सकते हो। या अपनी गाड़ी का ले लूँ मैं, मारुति जिंदाबाद। और शायद मैं लॉक नहीं कर, साइड से लॉक भी करते बड़े, इससे पहले बैटरी दे रहा हूँ।
एक ये भी शीशे, यहाँ से इसको दबाओ तो एक ये लॉक खुल जाता है हुक सा, ये एक एसी वेंट है इसका, इसको खोलने के लिए यहाँ से दबाओ तो ये आपके पेपर्स वगैरह ठीक ठाक है।